तो भाई आज की स्मैकडाउन देखकर वाकई मजा आ गया। तो गाइस WWE स्मैकडाउन 3 दिसंबर का एपिसोड हो चुका है जो कि बेहद शानदार था। यहां पर ब्रोक लेसनर और रोमन रेंस ने धमाल मचा दिया और मेन इवेंट तो वाकई बेहद शानदार था। और अब रोमन रेंस और ब्रोक लेसनर का मुकाबला भी तय हो चुका है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बात करने वाले हैं कि हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के इस एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिला। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत होती है ब्रोक लेसनर के सेगमेंट के साथ। यहाँ पर बीच में सैमी ज़ेन भी आ जाते हैं और ब्रोक लेसनर सैमी ज़ेन को कहते हैं कि तुम आज रात यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस के खिलाफ मुकाबला लड़ो। हालांकि इस पूरे सेगमेंट को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया हुआ है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो उस वीडियो को आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर एंड स्क्रीन के जरिए भी देख सकते हैं। इस सेगमेंट के बाद सैमी ज़ेन बैक स्टेज एडम पियर्स को ढूंढते हैं, लेकिन एडम पियर्स ब्रोक लेसनर के डर से स्मैकडाउन में नहीं आते हैं। ऐसे में सैमी ज़ेन सोनिया डेविल से मिलते हैं, तभी ब्रोक लेसनर भी आ जाते हैं और मेन इवेंट के लिए सैमी ज़ेन और रोमन रेंस का मैच तय करवा देते हैं। फिर साशा बैंक्स वर्सेज शायना बेजलर का मैच देखने को मिलता है जहाँ पर साशा बैंक्स जीत हासिल करती हैं। फिर बैक स्टेज सोनिया डेविल वीडियो कॉल पर एडम पियर्स से बात करते हुए ब्रोक लेसनर की सिचुएशन के बारे में बताती हैं। तभी ड्रू मैकिंटायर सोनिया डेविल को एडम पियर्स को धमकी देने के लिए कहते हैं। फिर हैप्पी कॉर्बिन और मैडगेब मोज का सेगमेंट होता है जहां पर ड्रू मैकिंटायर और जेफ हार्डी आ जाते हैं और उनकी हालत तो खराब कर देते हैं और यह स्टोरी लाइन भी अब थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। फिर देखने को मिलता है जे उशो वर्सेज किंग वुड्स का मैच। इस मैच से पहले जे और जिमी उशो सैमी ज़ेन और ब्रोक लेसनर को वार्निंग देते हैं और बताते हैं कि किस तरह रोमन रेंस उन लोगों की हालत खराब करने वाले हैं। फिर इनका मुकाबला शुरू होता है जहां पर डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए किंग वुड्स जीत हासिल करते हैं, जिसके बाद रोमन रेंस बैक स्टेज पॉल हैमर के साथ बैठे दिखाई देते हैं। रोमन रेंस कहते हैं कि ब्रोक बुरा है और आज एडम पियर्स भी स्मैकडाउन में नहीं है, क्या तुम्हें ब्रोक के बारे में कुछ भी मालूम है, जिस पर पॉल हैमन मना कर देते हैं। फिर शार्लेट फ्लेयर का सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पर वह टोनी स्टॉर्म को लेकर बात कर रही होती हैं। जब शार्लेट फ्लेयर बैक स्टेज जा रही होती हैं तभी टोनी स्टॉर्म उनके फेस पर पाइप फेंक देती हैं। फिर देखने को मिलता है सेमस वर्सेज सीजारो का मैच जहाँ पर सेमस जीत हासिल करते हैं। वहीं नेओमी बैक स्टेज सोनिया डेविल को चैलेंज करती हैं। फिर इनका मुकाबला नेक्स्ट स्मैकडाउन के लिए तय हो जाता है। फाइनली फिर आता है स्मैकडाउन का मेन इवेंट जहां पर सैमी ज़ेन नज़र आते हैं। सैमी ज़ेन कहते हैं कि अमेरिका में टेक्सास मेरा फेवरेट स्टेट है और मैं वहां पर यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतना चाहता था। खैर मुझे ब्रोक लेसनर ने आज सेंट एंटोनियो में ये मैच लड़ने के लिए कहा है और मैं आज रोमन रेंस को हरा कर पूरे वर्ल्ड को चौंका दूंगा और इसके लिए मैं फैंस का नहीं बल्कि ब्रोक लेसनर का धन्यवाद करता हूँ। इतने में ही ब्रोक लेसनर का म्यूजिक सुनाई देता है। ब्रोक लेसनर यहाँ पर आते हैं। सैमी ज़ेन यहाँ पर फैंस को ब्रोक लेसनर के स्वागत के लिए कहते हैं, साथ ही ब्रोक लेसनर को इनडायरेक्टली मैच में हेल्प के लिए पूछते हैं और कहते हैं कि अगर मैं आज यूनिवर्सल चैंपियन बन गया तो आपको डे वन PPV में एक आसान सा ओपोनेंट मिल जाएगा। लेकिन इतने में ही ब्रोक लेसनर अपने बीस्ट मोड में आ जाते हैं और सैमी ज़ेन को सुप्लेक्स सिटी लगा देते हैं और फिर दो F5 लगाकर उनकी हालत खराब कर देते हैं। फिर सैमी ज़ेन को कॉर्नर में खड़ा करके चले जाते हैं, जिसके बाद रोमन रेंस उशोज के साथ आते हैं और मैच शुरू होता है। रोमन रेंस सैमी ज़ेन को पहले स्पीयर लगाते हैं और फिर सब मिशन मूव मैच जकड़ लेते हैं और सिर्फ 16 सेकंड में इस मुकाबले को जीत लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रोक लेसनर ने बहुत बड़ा माइंड गेम खेल लिया है और अब डे वन PPV के लिए रोमन रेंस के साथ अपना मुकाबला तय कर लिया है। और इसी के साथ स्मैकडाउन के इस एपिसोड की समाप्ति होती है। तो ऑल ओवर स्मैकडाउन का ये एपिसोड बेहद शानदार था। तो गाइस ब्रोक लेसनर का वह सेगमेंट देखने के लिए एंड स्क्रीन वाली वीडियो पर क्लिक करें। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।